जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों आज का जो वीडियो स्पेशली यह है एसएससी एमटीएस को लेकर। आप सभी को पता है अभी इसकी वैकेंसी ओपन हो रखी है, इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं, 25 मार्च इसकी लास्ट डेट है। अगर आपने अभी तक नहीं भरी है एसएससी एमटीएस मतलब मल्टी टास्किंग स्टाफ के, इसके अभी तक आपने फॉर्म नहीं फिलअप किए हैं तो भर दीजिए। इसका जो एज का क्राइटेरिया दोस्तों आप सभी को पता 18 से 25 साल है। ओबीसी के लिए 3 साल की छूट मिल जाती है, एससी एसटी के लिए 5 साल की छूट मिल जाती है। कहने का मतलब यह है कि अगर ओबीसी जनरल का बच्चा है बंदा तो वो उसके लिए 18 से 25 साल उसकी आयु होनी चाहिए, ओबीसी के लिए 18 से 28 साल और एससी एसटी के लिए 18 से 30 साल की आयु। मतलब काफ़ी एज क्राइटेरिया जो बच्चे बोलते हैं एसएसजेडी वाले की जो ओवरेज हो गए हैं तो उनके लिए भी काफ़ी मौका है, उनकी तैयारी की हुई है और इसका सिलेबस में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। काफ़ी अच्छी वैकेंसी, आप सभी को पता है कि 9 से 10 हज़ार पदों के बीच में ये वैकेंसी है। इसके नोटिफिकेशन भी आ चुकी है, इसके फॉर्म भी भरे जा रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक इसके फॉर्म अप्लाई नहीं किए सबसे पहले फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, ताकि मैं आपको इस वीडियो में इसका सिलेबस भी समझाऊंगा, साथ में बताऊंगा कि किस प्रकार की जॉब है, ये होता क्या है स्पेशली, क्योंकि कईयों को ऐसा लगता है ये कलर की जॉब है, कईयों को ऐसा लगता है मतलब पता नहीं कौन सी पियोन की जॉब है। आप कईयों का डाउट है कि मल्टीटास्किंग स्टाफ का मतलब क्या होता है, किस प्रकार की जॉब होती है, कहाँ इसकी ड्यूटी होती है, लोकेशन कहाँ होती है ड्यूटी की, इस प्रकार के कई क्वेश्चन रहते हैं एसएससी एमटीएस को लेकर आप सभी के, तो उसको भी क्लियर करूंगा, साथ में सिलेबस भी इसका क्लियर करेंगे, इसमें क्या क्या सिलेबस है, किस प्रकार के दोनों पेपर होते हैं, उनमें क्या क्या होता है। तो दोस्तों सबसे पहले तो अगर आपने फॉर्म फिलअप नहीं किया, चाहे आप कोई से भी एग्जाम की तैयारी करो, इसमें फॉर्म फिलअप कर देना, क्योंकि अच्छी वैकेंसी है, ज़्यादा इसमें कुछ अलग से है नहीं, आपकी तैयारी के साथ में एक तैयारी भी चलती रहेगी आपके पास में नजदीक में। इसका आप सभी को पता है कि इसका जो पेपर होना वो जुलाई के मंथ में होना, पेपर की डेट आ चुकी है, फर्स्ट पेपर इसका जुलाई में होगा, सेकंड पेपर नवंबर में होगा। तो आप एजुकेशन से जुड़े रहेंगे, पेपर से जुड़े रहेंगे, आपका पेपर का दबाव रहेगा तो आप अच्छे से तैयारी कर पाओगे। ये मान के चलिए कि अगर सर पर पेपर रहता तो अपने आप ही बुकें खुलती है और पढ़ने का दिल ज़्यादा करता है, तो आप इसका फॉर्म जरूर अप्लाई करना, ठीक है। और अगर आपका उस दिन अच्छा रहा लग और आपकी तैयारी अच्छी रही तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा दोस्तों इसमें, क्योंकि अच्छी वैकेंसी है भी। तो अब अगर हम बात करें सबसे पहले की कि इसका जो बाद में बताएंगे आपको कि ये है क्या, सबसे पहले अगर हम इसके बात करें कि सिलेबस की, इसका जो पेपर हो, सबसे पहले अगर हम इसके पहले पेपर की बात करें तो इसमें 4 पार्ट होंगे, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग और मैथ, इनके टोटल 25-25 नंबर के 25 क्वेश्चन होंगे, यानी 100 क्वेश्चन होंगे। आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा, मतलब 90 मिनट का समय बहुत ही ज़्यादा समय है, कम समय नहीं है, 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन हल करने, नेगेटिव मार्किंग जरूर है इसमें, लेकिन फिर भी 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है इसमें। आपको 25 क्वेश्चन मैथ के मिलेंगे, 25 जीके के, 25 रीजनिंग के और 25 इंग्लिश के। दोस्तों आप अब ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं वो तैयारी कर रहे हैं एसएससीडी की, रेलवे एनटीपीसी की या आरआरबी की या आरपीएफ की, तो इन बच्चों को क्या इंग्लिश से एक डर बैठ जाता है, क्लियर इंग्लिश होगी पता नहीं। दोस्तों अगर आप इन 3 सब्जेक्ट में, इनकी तो आप तैयारी करते हो, इनमें आपकी पकड़ भी बहुत मजबूत है, अगर आप इन 3 सब्जेक्ट में कम से कम अगर मान के चलिए कि अगर आप 23-23 नंबर या 22-22 नंबर या दो पार्ट में अगर 22-1 में 20 भी लाते हो और इस पार्ट में केवल 15 नंबर लाते हो तो भी आपका अच्छा स्कोर हो जाता है। चलिए आप 20-20 भी अगर 3 पार्ट में लेके तो कितने हो गए, 60 और 15 75 नंबर, इसमें माइनस मार्किंग भी है, 75 नंबर बहुत होते हैं इसमें, ठीक है। लेकिन अगर आपका उनमें एक एक नंबर दो दो नंबर बढ़ के आपका 80 नंबर हो गया तो फिर तो आपको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि काफ़ी अच्छा स्कोर हो जाता है इसे। तो इसलिए आप इंग्लिश से डरिए नहीं, इसमें इंग्लिश ज़्यादा हाई लेवल की इंग्लिश नहीं आती, 12th लेवल की इंग्लिश आती है, मतलब वही ग्रामर आती है, उसमें एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये तो आप सभी कर लोगे, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। इज आरम का प्रयोग है, थोड़े से दिन आप पर कर तैयारी करोगे तो ये कर लोगे आप, लेकिन आप पहले खुद में कॉन्फिडेंस लाइए, आप इंग्लिश सोच लिया फॉरम ही फिलअप नहीं करोगे। इसका पहला पेपर होता है इस प्रकार से, ये इसका सिलेबस होता है। फिर इसका जो सेकंड पेपर होता है उसमें 50 नंबर का पेपर होता है, उसमें एक आपको ऐसे लिखना होता है, एक लेटर लिखना होता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेटर आपने 10th क्लास के एग्जाम में भी लिखे हैं, 12th के एग्जाम में भी लिखे हैं, और लेटर और ऐसे लिखना इसके अलावा कोई बड़ी बात तो है नहीं, तो इसके लिए आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे, 50 नंबर का ही पेपर होगा, 30 मिनट का समय मिलेगा, आप आसानी से लिख दोगे, और कोई भी लैंग्वेज में लिख सकते हो, सबसे खास बात आप हिंदी में लिख सकते हो, इंग्लिश में लिख सकते हो, तेलुगु में लिख सकते हो, तमिल में लिख सकते हो, मतलब कोई भी लैंग्वेज जो आपकी लैंग्वेज है उसमें आप लिख सकते हो, इससे और खास बात क्या होगी आपके लिए। तो आप इसका फॉर्म जरूर अप्लाई करें, 25 मार्च इसकी लास्ट डेट है, 25 मार्च से पहले पहले आपको इसका फॉर्म अप्लाई करना ही करना है, ठीक है। पैसे को नहीं देखना कि इसकी फीस इतनी इतनी, क्योंकि वही बुक्स है, कुछ अलग नहीं है, केवल एक इंग्लिश और ऐड करनी है। इंग्लिश के आप वीडियो देखोगे तो ही ग्रामर सीख जाओगे इसके लेवल की, 10 नंबर 15 नंबर लाने की, अगर 15 नंबर इंग्लिश में आ गए, बाकी सब में अगर 20-20 22-22 नंबर भी आ गए आपके, 20-20 भी आ गए 25 में से, तो भी आपका स्कोर काफ़ी डिफेंडिव रहेगा। अगर पेपर टफ रहा तो आपका नंबर आ सकता है, और अगर अच्छा रहा तो आपका भी स्कोर ज़्यादा रहेगा। तो आप तैयारी तो कर रहे हो, इसको भी ज़रूर ऐड करना, ताकि आपको नॉलेज भी रहेगा, आपको एक्सपीरियंस भी होगा, और आपका लक अच्छा रहा उस दिन अच्छा रहा तो आपका नंबर भी आ सकता है। अब बात करते हैं कि ये जॉब होती क्या है। दोस्तों मल्टीटास्किंग स्टाफ का मतलब होता है मल्टी, यानी बहुत सारे प्रकार की इसमें जॉब है, किसकी, जैसे बाबू की हो गई, गेटमैन लगता है उसकी हो गई,
जो ऑफिस में क्लर्क लगता है उसमें जो कागज़ कार्रवाई देखता है उसकी हो गई, जो आप देखे होंगे SDM ऑफिस में या जिलाधिकारी ऑफिस में जो बाबू आपके डॉक्यूमेंट्स इधर से इधर फाइल ले पकड़ाता है वो हो गया, या किसी बेंच पे काम करके वो जैसे नोटपैड लिखता रहता है वो हो गया, मतलब अलग अलग प्रकार की जॉब होगी। अब आपको ड्राइविंग आती है तो आप इसमें ड्राइविंग कर सकते हो, मालिक का काम आता तो मालिक का भी कर सकते हो, मतलब कई प्रकार की इसमें जॉब है। तो अच्छी जॉब है इसमें से आप पे डिपेंड करेगा आप में कितना, अगर आपको कंप्यूटर आता है तो आप ईमेल से जैसे कोई सेंड करने वाला ईमेल वहाँ टाइप करने वाला या किसी ऑफिस में बैठ के कंप्यूटर पे भी काम कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या आता है। ड्राइविंग आती है आप ड्राइविंग भी कर सकते हो, किसी काफ़ी प्रकार के जॉब होते हैं। अब इनकी जो जॉब लोकेशन होती है वो कौन सी होती है दोस्तों, सबसे पहले बता दूँ जितने भी बड़े बड़े जैसे इनकम टैक्स ऑफिस है या जिलाधिकारी SDM कार्यालय या सचिवालय कार्यालय या जो जितने भी ऑफिस होते हैं जैसे अपने भारत सरकार के, उन ऑफिसों में इनके काम होते हैं। ठीक है, जैसे जिला कलेक्टर ऑफिस हो गया या किसी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का ऑफिस हो गया या किसी बड़े कॉलेज बोर्ड का ऑफिस हो गया, इस प्रकार के जो विश्वविद्यालय के ऑफिस हैं इनमें, साथ में जो टैक्स डिपार्टमेंट है इनके, जो इनमें जो बाबू की ड्यूटी होती है उस प्रकार की, इनकी जो जॉब लोकेशन रहती है वो मतलब सेंट्रली सिटी में ही रहती है, किसी बाहर ऑकवर्ड एरिया में नहीं रहती। फैमिली परमिशन आपके पास में हमेशा रहती है, फैमिली के साथ रहने का मौका मिल जाता है और बहुत ही अच्छी सैलरी इसके मिलती है इसमें, तो मतलब काफ़ी अच्छी जॉब है। आपने अगर अभी तक इसका फॉर्म नहीं भरा तो फॉर्म भर दीजिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।